नमस्कार। नेपाल के प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ओली, उन्होंने एक यूथ फोर्स बनाई है। उसका नाम है भेली कमांड और माधव नेपाल द्वारा अखिल फोर्स बनाई गई है। और इन नेताओं ने कहा है कि नेपाल के युवा इस फोर्स में शामिल हों। दोस्तों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियों द्वारा जब युवा फोर्स बनाई जाती है तो वो उस देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। पाकिस्तान इसका उदाहरण है और भारत भी लगभग इसका उदाहरण है। भारत में भी बीजेपी, आरएसएस आप जानते ही होंगे, योगी की हिंदू वाहिनी या बजरंग दल आप जानते ही होंगे। इनका काम क्या है? केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ बोलना और देश को दो धड़ों में बांटना। तो जैसे पाकिस्तान में हुआ, वही भारत में हुआ, और जो भारत में हो रहा है वो अब नेपाल में हो रहा है। दोस्तों, भविष्य में यानी आपके यहाँ गृह युद्ध के बीज बो दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टियों द्वारा युवा सेना बनाने का एक ही मतलब निकलता है कि भविष्य का गृह युद्ध। और जब युवा सेना बन जाती है पार्टियों द्वारा, तो विदेशी ताकतें इनका इस्तेमाल अच्छे से कर लेती है। भारत में ऐसा होता है। हमारे कहने का मतलब है, जो भारत में हो रहा है वही नेपाल में हो रहा है। आपने भारत में देखा होगा, दलित हिंदुओं ने अपनी भीम आर्मी बना रखी है, ठीक है। बीजेपी आरएसएस है ही है, बीजेपी का आरएसएस एक पार्टी है ही है। मुसलमानों के भी अलग अलग संगठन मौजूद हैं। तो भविष्य में कभी टकराव बढ़ता है तो ये सब आपस में टकरा जाएंगे। अगर राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव होता है और उनकी कोई युवा वाहिनी नहीं होती है तो देश में टकराव नहीं होता है। वो टकराव केवल दिमाग का होता है, यानी डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों में युवा दल आ जाते हैं तो ये टकरा जाते हैं आपस में। और भारत में ऐसा बहुत होता है। डायरेक्ट उदाहरण नहीं दे सकते हम आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी के खिलाफ है। हमारे बहुत सारे नेपाली मित्र भी इस रैली में शामिल हुए होंगे, जो प्रधानमंत्री ओली की युवा फोर्स ने कल रैली निकाली थी काठमांडू में। लेकिन क्या हमारे उन मित्रों को एक चीज का पता है कि आप लोग केवल और केवल अपने देश को धड़ों में बांट रहे हैं? आज यदि ओली युवा वाहिनी तैयार कर सकते हैं तो कांग्रेस भी कर सकती है, राप्रपा भी कर सकती है, उधर मधेसी दल भी कर सकता है। यानी कुल मिला जुला के जब सारी पार्टियों के अपनी युवा सेना हो जाएगी तो क्या होगा, जानते हैं आप? भविष्य में इसका असर कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ओली, आपको तो पता होगा कि वो सीट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो चाइना के इशारे पे कर रहे हैं। हमने आपको कई बार बताया कि चाइना के इशारे पे तो बात छोड़ दीजिए उसकी, लेकिन वो अपनी सीट बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पीएम ओली को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, ठीक है, और बहुत जल्दी वो संन्यास भी ले लेंगे राजनीति से। लेकिन आप लोगों द्वारा जो युवा सेना तैयार की जा रही है, ये कहीं ना कहीं देश को गलत रास्ते पर लेके जा रही है। देश को धड़ों में बांटने का काम कर रही है। आप बना सकते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं बना सकती? मधेसी दल क्यों नहीं बना सकता? एक तो मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनी हुई है, जिसका काम है केवल देश में देश को दो धड़ों में बांटना। आप कभी भी मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो वो केवल और केवल नेपाल के विरोध में ही बोलती है। उसका एक ही काम होता है कहना, बामन क्षत्रिय मूत खाने ब्राह्मण क्षत्रिय। तो क्या मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देश को धड़ों में नहीं बांट रही है? बिल्कुल बांट रही है। उसी प्रकार ये जो यूथ फोर्स पीएम ओली की बनाई गई है, ये भी भविष्य में ऐसे ही बहुत सारे काम करेगी जो देश के भीतर टकराव पैदा करेंगे। उदाहरण हमने आपको इंडिया का बता दिया। आरएसएस वाले एक विशेष धर्म के लिए कुछ ज्यादा ही बोलते हैं उनके खिलाफ। हमारे देश के मुस्लिम भारत के लिए जान देते आ रहे हैं और देते हैं, और आज भी बिल्कुल तैयार हैं जान देने के लिए। लेकिन हमारी जो पार्टी है आरएसएस,
वो उन पे झूठा इल्जाम लगाती है कि आप पाकिस्तान के सपोर्टर हो, यानी मुस्लिम लोगों को पूरी तरीके से भारत में बदनाम करती है आरएसएस। आरएसएस देशभक्त है ये कहना गलत होगा, देशभक्त तो सभी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, लेकिन आरएसएस का एक जो मुख्य काम है वो है मुसलमानों के खिलाफ बोलना, जिससे भारत दो धड़ों में बंट रहा है धीरे धीरे। यही काम नेपाल में भी धीरे धीरे करके शुरू हो गया है। यदि आपकी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी युवा सेना बनाती है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आने वाले 5 साल 10 साल में आपके देश में भी बहुत बड़े स्तर पर टकराव शुरू हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाए गए युवा सेना देश में केवल टकराव पैदा करवाती है, और इसका अच्छा अनुभव है हमारे पास में। इसलिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाई गई युवा सेना का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। युवाओं को सेना में जाना है तो सेना में जाएं, देश की सेना में जाएं, किसी पार्टी की सेना में नहीं। और युवा लोगों को राजनीति में उतारेंगे, जैसे ओली कहते हैं कि सभी युवा हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, या माधव नेपाल कहते हैं कि युवा लोग हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। युवाओं का काम है पढ़ना लिखना, काम करना, मेहनत करना, फैक्ट्रियां चलाना, इंडस्ट्री चलाना, देश में उत्पादन का काम करना। यदि युवाओं को राजनीति में ले आओगे तो वो देश तरक्की नहीं करेगा। चीन और भारत इसका उदाहरण है। चीन को आप देख सकते हैं, वहां के युवा राजनीति में बिल्कुल नहीं है, केवल काम करते हैं, इसलिए चीन विकास किया। भारत के युवा, भारत के लोग बहुत ज्यादा राजनीति में घुले मिले हुए हैं, इसलिए इनका ध्यान उत्पादन यानी काम करने की अपेक्षा राजनीति में ज्यादा रहता है। और जिस देश के नागरिकों का ध्यान इसी चीज पे हमेशा बना हुआ रहेगा कि ये नेता बनेगा, वो नेता बनेगा, हम उसके सपोर्टर, तो वो देश विकास कहाँ से करेगा, क्योंकि अपनी पूरी एनर्जी तो राजनीति में बर्बाद कर दी, उत्पादन में बर्बाद नहीं की। नेपाली नेता योगेश भट्टराई ने इसका पूरा विरोध किया है कि नहीं, प्रधानमंत्री ओली देश के युवाओं को गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, योगेश भट्टराई ने ऐसे कहा। जबकि योगेश भट्टराई भी शायद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ही हैं। तो हमारा एक ही मानना है कि इस प्रकार की राजनीतिक युवा सेनाएं जो बन रही हैं, ये देश को धड़ों में बांट रही है, और भविष्य में ये बहुत बड़े टकराव का कारण बन सकता है, इसकी पूरी संभावना होती है। भारत इसका उदाहरण है और पाकिस्तान को आप देख ही चुके हैं। इसलिए संविधान के विपरीत जो भी संगठन होते हैं उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारा काम है आपको बता देना कि नेपाल में भी टकराव के बीज बोए जा रहे हैं। धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।